11 महीने पहले मैंने ऑलरेडी एक मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मुझे लगा कि अभी मेरे फिर से जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए भी मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, और जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर जो टीनेजर है या न्यू सब्सक्राइबर है, तो सोचा कि उन लोगों के लिए भी मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। तो वेलकम बैक टू माई चैनल शिवी स्टाइल्स, मैं हूँ शिवांगी, आप देख रहे हैं शिवी स्टाइल्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, सो कीप ऑन वॉचिंग एंड तक, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो सके, क्योंकि जैसे मेरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस आप अपने साथ तो शेयर करें ही करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन आप ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। मैं जितने भी लेडीज़ हैं, प्लीज़ आप उन लोगों के साथ शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए। एंड वन मोर थिंग कि कुछ लोग इस वीडियो पे ये भी कमेंट करेंगे कि मैं कैसी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो गाइज प्लीज़ जस्ट आप अपनी थिंकिंग को अपने पास रखें, मुझे आपकी थिंकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके इस तरीके के सजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं, मैं नहीं चाहती कि ऐसे ऐसे लोग मेरी वीडियोज़ को देखें या फिर उस पर लाइक उल्टे सीधे कमेंट करके या अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या थिंक रखते हैं लड़कियों के बारे में या उनके हैशटैग पीरियड्स के बारे में। सो गाइज मैं आज इस वीडियो में पीरियड्स के टॉपिक कवर करने वाली हूँ, इवन आप लोगों को बनाने वाली हूँ कि आप पैड्स के अलावा और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस प्लस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कि ये क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट डेली मिलती रहे और जल्द जल्दी मिलती रहे। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज मैंने अपना एक वीडियो आई थिंक 11 मंथ्स पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाई आई स्टॉप्ड यूजिंग पैड्स और क्लॉथ्स। शायद उस वीडियो से आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं मिल पाई, और उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया था। आज आप लोगों के सामने यही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। चलो मेंस्ट्रुअल कप क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेंस्ट्रुअल कप क्या है उसके लिए, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो चीज़ जैसे हम पीरियड आते हैं, तो पीरियड में हम नॉर्मली टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, कोई पैड्स यूज़ करता है, कोई कपड़ा यूज़ करता है, तो आपकी अलग अलग चॉइसेस हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा कप है जिसे आप अपने पीरियड्स में यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि मेंस्ट्रुअल कप होता कैसा है, तो मेंस्ट्रुअल कप होता है कुछ इस तरीके का, एज यू कैन सी इस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल कप होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये मेंस्ट्रुअल कप है, अब मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ होता है, इसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो और इसे कोई हार्म इफेक्ट आपकी बॉडी को नहीं होगा, कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा जो आपकी बॉडी को हार्म करे या आपको हार्म करे, ऐसा कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब आपको ये यूज़ क्यों करना है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या है, पैड्स यूज़ कर रहे हैं, टैम्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैड्स और टैम्पॉन्स आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से यूज़ करते हो, कपड़ा मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करती हूँ कि यू नो कपड़ा इज़ नॉट हाइजीनिक। मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगी कि आप कोई भी कपड़ा अपने पीरियड टाइम में यूज़ करो, मैं सिर्फ पैड्स या टेम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप ही रिकमेंडेड करती हूँ। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, तो मेंस्ट्रुअल कप क्यों यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट इकोलॉजिकल है, ये आपके इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी दूषित नहीं करता है। अब दूषित पैड्स आपके वातावरण को कैसे दूषित करते हैं, जब आप उसे डिस्पोज करते हो, फर्स्ट थिंग आप जो भी फेंक देते हो पैड्स को इधर उधर, कैसे भी फेंक देते हो या फ्लश कर देते हो, या ये एक्चुअली में ये मैनर्स नहीं है, ये एथिक्स नहीं होते हैं किसी भी यू नो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए आपको पैड्स। तो दूसरा ये कि अगर आप फेंक देते हो तो वो कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हो पाता है, तो वो अपना लाइक उससे ही गंदगी और ये सारी चीज़ें पैदा होती रहती हैं, इसलिए वो टोटली तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा ये इजी टू यूज़ है, हाइजीन रखता है, और तीसरा इकोलॉजिकल है। तो इकोलॉजिकल का मैंने आपको बता दिया कि क्या और कैसे ये इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली है। मेंस्ट्रुअल कप को 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसे 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें समझ ली, अब ये भी देख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूज़ करने का तरीका क्या है। यूज़ करने का तरीका मैं आपको एक डेमो से बताती हूँ। फर्स्ट हमें पहले हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करने के बाद आपको ये एक से दो महीने में लाइक एक बार आपको ये एक बार बॉयल करना होता है। आप नॉर्मली बॉइल्ड पानी में इसे डाल दो और ये खुद से ही स्टरलाइज्ड हो जाएगा, लाइक जो भी पोजिशन इसकी चेंज हुई होगी
यूज़ करने के बाद बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया आपने मेंस्ट्रुअल कप लिया है, आपको बॉयल करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जब ये 2 से 3 बार आप अगर यूज़ कर लेते हो इसे, तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि ये 8 से 10 घंटे तक आपके वजाइना में रहता है, तो इसलिए इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो शेप है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी आपको ये गोल दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसे यूज़ करते हो तो इसकी हल्की सी पोजीशन, इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो उसको स्टरलाइज करने के लिए आप इसे बॉइल्ड पानी में डाल सकते हो। बॉइल्ड 5 से 10 मिनट के लिए आपको ये बॉइल करना है, और इसे ज़्यादा बॉइल नहीं करना। एक लड़की अपनी लाइफ में लगभग 10,000 पैड्स यूज़ करती है, और वो पूरी तरीके से डिकम्पोज भी नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को भी पता है कि पैड्स यूज़ करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि उसकी जो चिपचिपाहट हो जाती है या वो स्किन पे चिपक जाता है, तो इट इज़ नॉट ईजी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद एक गर्ल हूँ। मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं पैड ही यूज़ करती थी, लेकिन उसको यूज़ करना या उसकी बहुत गंदा ऑर्डर जो स्मेल आती थी, या फिर पसंद थी कि मैं यार 3 दिन मेरे को बहुत गंदा लगता था वो टाइम मेरा मेरी लाइफ का, कि वो पीरियड टाइम क्यों आता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उस टाइम में। तो आपको अपनी पोजीशन देखनी है कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल हो इसे यूज़ करने के लिए, स्क्वाटिंग, स्टैंडिंग या हाफ लेग चेयर ऑन चेयर। सो आप किसी भी तरीके की पोजीशन में इसे इंसर्ट कर सकते हो अपनी वजाइना में। जी हाँ, आपको इसे अपनी वजाइना में इंसर्ट करना होगा। वजाइना में इंसर्ट करने के लिए आप क्या प्रोसीजर है, मैं आपको वो डेमो से समझाती हूँ। जैसे मैं आपको एक डेमो से समझा रही हूँ, ये आपका एक वजाइना एरिया है जो आपको दिख रहा है। आप नॉर्मली मैं आपको जो दिखा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से आपको आपके वजाइना में इतना स्पेस होता है कि आपके अंदर एक कप एक आराम से फिट हो सके। जैसे समझिए ये आपकी वजाइना है और ये आपका लेबिया है। इसे आपको अपने लेबिया से होते हुए अपनी वजाइना में इंसर्ट करना होता है। सो आप पहले देखिए कि कप की क्या पोजीशन आप रख सकते हो। इवन मेरे को एक मेल भी आया, एक कमेंट भी आया था कि उनका कप ओपन नहीं हो पाता है अंदर इंसर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, उसका भी आंसर आपको आगे दे दूंगी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि आपको कौन सी इसको किस तरीके से आप इसे अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को आप चाहो तो इस तरीके से भी इसे इंसर्ट कर सकते हो, दिस। ये आपको अपने लेबिया से होते हुए आपकी वजाइना में अंदर पुश करना होता है, थोड़ा सा इधर उधर करते हुए इसे अंदर की साइड पुश करना होता है। तो आपके अंदर इतना स्पेस होता है कि आप इजीली इसे अंदर डाल सको। उसके बाद अगर आपको ये पोजीशन नहीं कंफर्टेबल लगती है तो आप सी पोजीशन भी ट्राई कर सकते हो, दिस। ये सी पोजीशन भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि इसे हम लेविया के अंदर, इसे हमें लेविया के अंदर थोड़ा सा इधर उधर घुमा के डालना होता है, दिस। इसकी टेल जो है पीछे निकल जाती है, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। या तो आप इसे सीजर से कट कर दो, या फिर इसे पूरा लेविया के अंदर तक डालो, जिससे आपको कम्फर्ट रहे, डिस्कम्फर्ट ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये कप अंदर चला जाता है, तो उसके बाद आपको ये थोड़ा सा 360 एंगल पे, इस तरीके से, क्योंकि ये अंदर से अगर इस तरीके से रह गया, देख रहे हो आप, इस तरीके से अगर ये अंदर रह गया तो आपको लीकेज हो सकता है। तो आपको ये 360 एंगल पे इस तरीके से घुमाना होगा। बाद आप देख सकते हो कि पूरा जो है पूरा कवर हो चुका है और अंदर अच्छे से फिट हो गया है। जैसे आपने देखा कि अभी पूरा अंदर अच्छे से फिट हो गया था। अब कुछ लोगों का क्या होगा कि अंदर ऐसे बंद ही हो जाता है, लेकिन आपको इसे पूरा खोलने के लिए इसे पूरा 360 एंगल पे ऐसे घुमाना होता है जिससे ये पूरा खुल जाए। और खुलने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ साइडों में भी होल होते हैं, जिससे ये बिल्कुल टस से मस ना हो अंदर आपके जाके और बिल्कुल फिट हो जाए। यानी सीरियस, ये इस तरीके से ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ये है कि आप कितने टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हो। आप दिन में इसे 8 से 10 घंटे तक इजीली यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे निकालना कैसे है, इसे वॉश कैसे करना है, और आपका पीरियड में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। पीरियड पैड्स में हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मेंस्ट्रुअल कप ले लेता है, तो आपका ऐसा लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। निकालने का तरीका नॉर्मल ये है कि जब भी आप इसे यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद इसे जब आपको निकालना है, तो आप नीचे से इसे इस तरीके से पिंच करोगे, जिससे पिंच करने पे इसकी सील टूट जाएगी अंदर से, और इसका जो लॉक होगा वो लॉक खुल के वो नॉर्मली आपका बाहर आने को रेडी हो जाएगा। इसे निकालने के बाद इसका ब्लड आप ड्रेन कर सकते हो, नॉर्मली वाटर से वॉश कर सकते हो, और अगेन इसे इंसर्ट कर सकते हो किसी भी पोजिशन में, जिसमें इसे आपको सुखाना नहीं है या कपड़े से किसी से पोछना नहीं है, क्योंकि वजाइना ऑलरेडी अंदर से वेट रहती है। तो नॉर्मली आप फिर इसे भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो।
इसे पहन के आप स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, भाग दौड़, उछल कुछ भी कर सकते हो। बात करते हैं साइज की, ठीक है। तो इसमें साइज आपको दो मिल जाते हैं, मीडियम एंड लार्ज। अगर आप 30 ईयर से अबव हो और आपने बेबी, लाइक बेबी है आपका, तो आप लार्ज साइज के साथ जा सकते हो। और अगर आप 30 ईयर से कम हो तो आप मीडियम साइज ले सकते हो। आई गेस एक सजेशन और मैं देना चाहूंगी, जो भी न्यू गर्ल्स होंगी, देखो थोड़ा सा बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में मैंने यूज किया था, आपने फर्स्ट टाइम में पैड्स भी यूज किए होंगे, किसी ने उल्टा लगाया होगा, किसी ने सीधा लगाया होगा। मैं ना एकदम फ्रेंडली होकर आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप उस चीज को समझ सको। जो मैंने फील किया है वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कुछ चीजें अगर मेरे साथ अच्छी नहीं हुई है तो वो भी चीजें आप लोगों के साथ, लाइक वही चीजें आपके साथ भी हों। और जिस टाइम में आके मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस टाइम से भी पहले यूज करो और कंफर्ट रहो, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और होप आपको अच्छा भी लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप शेयर भी कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम से यूज़ करोगे तो आप अपने पैड्स या पैंटी लाइनर्स के साथ ही यूज़ करें। अगर थोड़ा बहुत वो लीकेज होगा, लाइक 1 से 2 महीने आपको इसके साथ कंफर्ट होने में लग सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप इसे पैंटी लाइनर या पैड्स के साथ ही यूज़ करें, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी लीकेज होगा तो वो पैड्स या पैंटी पे आप पैड्स पे आ जाएगा। मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों में से कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। और प्लीज़ आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आप लोग बता सकते हो कि ऑफ कोर्स आप लोगों की भी लाइफ चेंज हुई है नहीं है, या फिर मेरे कहने से कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ ट्राई किया है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी बातों को सुन के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, मेरी वीडियोज़ को देख के कुछ करते ट्राई करते हो, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना प्लीज़, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।